पहले खाना खा लो, चाय उनको चाय पसंद। हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कामनी सिंह। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे मैं भोले बाबा पे जल चढ़ा रही हूँ। हमारे भोले बाबा जो है ना ऊपर वाले फ्लोर पे ही हैं बालकनी में, तो मैंने सोचा यहाँ से जल चढ़ा के तब जाती हूँ। और मैं मम्मी ने मुझे फ़ोन किया था कि नहा के आ जाओ, पारण का एक टाइम होता है ना, इसमें नौवीं में पारण करते हैं, तो नौवीं में मतलब अष्टमी अगर पूरा हो गया ना उसके बाद नौवीं में करते हैं, लेकिन आज जो है दसवीं भी लगने वाला था तो उससे पहले सब कुछ करना था। सिंदूर मुझे मम्मी से लगवाना है और येलो वाला सिंदूर नीचे ही है, तो नीचे जाके मैं लगवाऊँगी। यहाँ पर मैं आ गई पूजा करने के लिए। मम्मी अभी यहाँ से उठी पूजा करके और वो बाहर जाके धूप वगैरह जला रही हैं। कुछ चीज़ें जो मैं आप लोगों को नहीं दिखाती, जैसे कि पूर्वजों के लिए पितरों के लिए जो पूजा किया जाता है वो मैं आप लोगों को नहीं दिखाती हूँ, चाहे वो धूप बत्ती क्यों ना हो। और बाकी जो चीज़ें ऐसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। और मेरी स्थिति, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मतलब रात में मैं बस मरने की स्थिति में थी। मतलब असली जो कहते हैं ना तबीयत ख़राब होना, मतलब इस तरीके से कि इंसान आँख भी ना खोल पाए। आपको पता है हेडेक में इंसान आँख भी नहीं खोल पाता। जब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है तो इंसान कुछ भी नहीं कर पाता, उसकी हिम्मत कैसे होगी। तो इसलिए आप लोगों को वो सारा सीन नहीं दिख रहा है जो भी, कि मतलब मेरे साथ क्या हुआ था कल रात को, कौन सी स्थिति में मैं थी। वो तो जो लोग वहाँ पे थे, जो देखे हैं वही जानते हैं। रवीना ने बहुत देर तक मेरा सर दबाया था, फिर पतिदेव जी ने, मतलब मैं सच बोल मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ऐसे लाइफ पार्टनर मिले हैं, मुझे ऐसी सासू माँ मिली हैं जो मेरे बारे में इतना सोचती। उन्होंने कल रात जो मेरे लिए किया है ना, बस वो एक भगवान है, मतलब भगवान ही कर सकते हैं, बस वही सारी चीज़ है। और यहाँ पे जो मम्मी है मुझे सिंदूर लगा रही हैं, और इसके बाद कुछ छूने का रस्म होता है वो हम करेंगे। और निक्की ने यहाँ पर खाना बनाया था सुबह सुबह उठ के, सारी चीज़ें हम लोग के लिए पारण के लिए हर एक चीज़ बनाया था, और बहुत अच्छा बना था, टेस्टी बना था। बट मैंने जो कल का व्लॉग देखा, मेरे रील्स, मैंने आज उसके कमेंट देखे, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई। सब लोग कह रहे हैं कि मतलब कि ऐसी जेठानी और ऐसी जेठानी, मतलब कि इतना प्यार करने वाली चाहिए इस तरीके से। तो वो सारी चीज़ें देख के ना मुझे बहुत खुशी हुई कि यार मुझे तो नहीं लगा, मेरा एक ये छोटा सा एफर्ट था कि मैं चेहरे पर खुशी लाऊँ या फिर कोई भी चीज़, मेरी फैमिली में हमेशा खुशी रहे। और आज वो सारी चीज़ें ना, कहते हैं ना दिल से कोई भी चीज़ करो ना तो वो चीज़ें दिखता है, लोगों को समझ में आता है, लोग उस चीज़ को समझते हैं, और ये सारी चीज़ें इस तरीके कैसे होती है। तो हमारे रिश्ते को देख के, हमें देख के सबको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, तो मुझे भी बहुत खुशी हुई। और पिछले व्लॉग में भी मैंने बोला हुआ तो कह रहे हैं कि नहीं दिखा, कि क्या बोल रहे हैं, मतलब क्या बोला देवरानी ने। तो यार जिसने सोशल मीडिया पर लिख के बता दिया, टाइटल डाल दिया, थंबनेल डाल दिया, अब उसको अपने ज़ुबान से क्या बोलने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा प्रूफ और क्या चाहिए आप लोगों को। कि अगर दिल में है तभी तो इतना कुछ दिखाया और इतना कुछ बताया, वो सारी चीज़ें हैं। तो इस चीज़ को आप लोग समझ जाओ। मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने हर रिश्ते में हमेशा से ऑनेस्ट रही हूँ, और ऑनेस्टी की जीत होती है, इंसान जीतता है। हम प्यार से जिस रिश्ते को संभालते हैं तो संभाल पाते हैं, और कोशिश यही रहेगी कि आगे भी मैं इस रिश्ते को, पूरे फैमिली को अच्छे से संभाल के रखूं, चाहे जिस स्थिति में जैसे भी रहें। मतलब ये जो खुशी है हमारी, हमारी ऐसी खुशी बनी रहे, और हमारे जो परिवार है बिल्कुल ऐसे ही रहे, और प्यार से रहे, सारी चीज़ें जो है बिल्कुल ऐसी, मतलब मैं जो शब्द बोलना चाह रही हूँ मैं बोल नहीं पा रही हूँ, बट मुझे सच में बहुत ज़्यादा खुशी है इस चीज़ की, कि आप लोगों को भी दिखा। अब जो एक दो लोगों ने कभी मुझ पर उंगली भी उठाई होगी ना, उन्हें भी इस चीज़ का एहसास हुआ होगा कि यार हाँ, मतलब जेठानी है, और उन्होंने जेठानी के नाम पे जो एक होता है ना कि एक दो लोगों ने पॉइंट आउट करने की कोशिश की थी, उनको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि नहीं, ये वो जेठानी नहीं है जो एक जेठानी का लोगों का बनाया गया हो। वैसे भी पूरी दुनिया देखती है तो उन्हें पता है कि मैं कैसी जेठानी हूँ। मैंने अपने फैमिली मेम्बर से भी और ससुराल में और भी कई लोगों से मुँह से सुना है जेठानी ऐसी होती है, वैसी होती है, बट मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता भाई हर एक रिश्ता में हर एक इंसान की अपना एक अहमियत होता है, और वो चीज़ बने रहना चाहिए। जो लोग ब्लॉग देखते हैं तो उन्हें भी अपनी फैमिली में देख के पता चलता होगा कि कौन क्या और कैसे करता है, किस तरीके से रहता है। तो मैंने हमेशा ही अपनी कोशिश की है कि मैं हर एक रिश्ते में ऑनेस्ट रहूँ, और आज लोगों के कॉमेंट ने ये बता दिया कि हाँ आप अपने रिश्ते में बहुत ऑनेस्ट हो और ऐसे ही रहना। और यहाँ पर मम्मी आई, ये जूतियाँ जो होता है ना पहले अपने अपने बच्चों को पहनाया जाता है, उसके बाद खुद पहना जाता है, तो मम्मी वही रस्म कर रही थी। पहन के घूमो,
अब सोना नहीं, ठीक है, बाबू को स्कूल भेज। और यहाँ पे बाबू सोया हुआ था तो मैं उनको उठा रही थी, और उधर पापा जी सोए हुए हैं, ये अपने बाबा दादी के साथ सोते हैं अभी, तो वहाँ पे सोए हुए थे, फिर भी मैं इधर से आके बैठ गई थी। मतलब माफ़ करना आप लोग, अगर आप लोगों को गलत लग रहा हो तो, बट मुझे बाबू को उठाना था, पापा जी नींद से सोए हुए थे, तो यहाँ पे मुझे उनको ये पहनाना था, इनको पहना के मैं पहन के ही पारण कर सकती थी। और मुझे इनको स्कूल भेजने के लिए भी उठाना था, आज स्कूल कल तो छुट्टी हो गई थी, बट आज नहीं करवाना चाहती थी, उठ भी गए थे टाइम से, तो मैंने सोचा चलो ठीक है। तो ये सोए हुए थे, फिर मम्मी आई, मम्मी ने पहले पहनाया धनु को, ये जो भी ज्योतिया है सारे बच्चों को पहनाती हैं, तो धनु को भी पहनाती हैं शुरू से ही, तो यहाँ पे मैं भी, उसके बाद मम्मी ने पहना लिया, तब मैंने पहनाया। और किसी भी चीज़ पे जिसका हक पहले होता है उसी का होता है, किसी के लेने या छीनने से नहीं होता है। जैसे इस पे हक मम्मी का ही पहले है, तो मम्मी का ही रहेगा, उसके बाद ही मेरा होगा। तो सब कुछ बनाया हुआ इस तरीके से। एंड जिठानी के बारे में मैंने इसलिए बोला क्योंकि मुझे लगा जो पिछले व्लॉग में लोगों ने कमेंट किया उन्हें समझ में नहीं आया, तो मुझे लगा मुझे थोड़ा समझा देना चाहिए। भैया पहना माला है ना, ये माला है, ये देखो इसमें गोल्ड है, गोल्ड धनवी, गोल्ड अच्छा लगता है, ये देखो नहीं फेंकते ऐसे, ये देखो, ये अब देख लो बस, ये देखो अच्छा है, ये देखो अच्छा है, अच्छा नहीं है धनवी, फिलिप्स पे कुछ लगा के यहाँ पे, उठो तो साफ कर दो, हो गया, नो चल हो गया, हो गया, हो गया, जल्दी पारण जो होता है यानी कि व्रत खोलना जो होता है वो गरम गरम माड़, इन सब मतलब गरम चीज़ों से होता है, कि बिल्कुल जो गरम चीज़ हो ना वो हमें पीना होता है, ताकि वो हमारे पेट में गरम गरम जाए। इसके पीछे ना एक बहुत बड़ी कहानी है, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। एक मछली ने निगल लिया था किसी के बेटे को, वो जब जा रहे थे अपना कुछ व्यापार करने के लिए, तो उनकी माँ बहुत दिनों तक परेशान थी। किसी ने बताया उन्हें कि अगली बार ज्योतिया आएगा तो आप ना ज्योतिया व्रत करके जब व्रत खोलना ना तो गरम माड़ पीना, ठीक है, व्रत ऐसे ही खोलना, तब आपका बेटा आपको वापस मिल जाएगा। तो उन्होंने अगले साल एक साल तक इंतज़ार किया, फिर अगले साल व्रत किया और फिर उन्होंने गर्म माड़ पिया। तो जैसे उन्होंने गर्म माड़ पिया तो वो चला गया उस मछली के पेट में, उसको इतना ज़्यादा गर्मी हो गया, इतना बेचैन परेशान हो गई कि समुद्र के बाहर आके और उसने उनके बेटे को उगल दिया। तो इस तरीके से उनका बच्चा बच गया। मतलब ये एक दंत कथा है शायद, मतलब जो भी इस दंत कथा ही बोल सकते हैं जहाँ तक मुझे पता है। तो इस तरीके से इसको नियम को बनाया गया, और ज्योतिया के पीछे बहुत बड़े बड़े बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कहानियाँ हैं। सो गाइस, तो हम धनु को स्कूल छोड़ने के लिए निकल चुके हैं, पहले चाय पत्ती लेने चलते, अभी टाइम है आज। एक्चुअली हम कहते हैं धनु, दादी को बाय बोल दो, वो है क्या कहते हैं, हाँ हमें ऐसा रोज लगता है यार लेट हो गए, जल्दी भागो, ऐसा बर्दबर करके तब निकलते हैं, धनु को छोड़ने जाते हैं। वो इनको लेट नहीं हुआ रहता है, हम खुद लेट उठते हैं। आज हम थोड़ा जल्दी उठे, थोड़ा नहीं, आज हम बहुत ज़्यादा जल्दी उठे हुए हैं, कब से उठे हुए हैं। तो देखो सारा काम भी हो गया, और स्कूल बस जो अब आएगी ना यहाँ पे, मतलब जो टाइम है उस पे तो हम जा रहे हैं, थोड़ी सी लेट है, हम ट्रैक करते हैं तो उसके हिसाब से हम पहले ही जा रहे हैं। तो ये कह रहे चलो पहले चाय पत्ती ले लेते हैं, आपने देख लिया है ना, तो ले लो फिर, क्या ही करना है। और ये पीले वाला जो सिंदूर होता है ना, मतलब कुछ भी ना करें और एक सिंदूर लगा लेते हैं ना, ऐसा चेहरा बग बग खिलता है, अलग ही ग्लो आता है चेहरे पे सिंदूर से। तो गैस अभी हमारा पारण नहीं हुआ है, मतलब खाना ना कुछ नहीं खाए हैं, चाय पिए हैं और थोड़ा सा माड़, मतलब कि टाइमिंग था व्रत खोलने का ऐसे कि इतने सूरज भगवान के निकलते ही खोलना, क्या कुछ ऐसी था। तो सुबह सुबह ही मौसी जी का फ़ोन आ गया था, मम्मी ने फिर मुझे फ़ोन किया, बोला उठ जाओ, वो कर लेते हैं।
और अभी मैंने आप लोगों को नहीं बताना, रात में मेरी कंडीशन ऐसी हुई थी कि ऐसा लग रहा था मैं जीऊंगी या मरूंगी, जो मेरा सर दर्द शुरू होता है वो भी किस वाल किस लेवल तक। हाँ बेटा ले लो पापा, मामा पापा से गुस्सा है तो इसलिए मम्मा को बोल रहे हैं मम्मा मेरे लिए कुछ लेके आओ, मतलब इनको ध्यान है, यहाँ तक आ गए गाड़ी में, फिर ध्यान है इनको कि मैं नाराज हूँ। ये देखो गाइस, मैंने ये नेल पेंट थोड़ा थोड़ा लगा तो उसे छुड़ाया कि मैं नेल पॉलिश लगाऊंगी, लेकिन नहीं लगा पाई, दिमाग से निकल गई। जब मैं आलता लगा रही थी उसके बाद जाने वाने कुछ बात होने लग गई और मैं ये लगाना भूल गई तो नहीं लगा पाई, तो बस मेरी कंडीशन ऐसी हो गई। तो पूरा हाँ इनाम वाला चिप्स चाहिए, नहीं नहीं लाल जो है ना वो देखो तो, हाँ वही उसी में लाल वाले दिखाओ ना, वही लाल वाला, हाँ हाँ वही। तो मेरा पूरा एकदम सर ऐसा लग रहा था, आधे घंटे तक रवीना था भैया, घंटे डेढ़ घंटे तक मैं बस इन लोग से ये बोल रही थी ना, मैं बस सो जाऊँ, मतलब क्या ही हो रहा था, पूरा ये फट रहा था, ये फट रहा था, ये सब मतलब एकदम ऐसा लग रहा था ना ब्लास्ट हो जाएगा, मतलब ये लगा लो कि ऐसा लग रहा था मैं जी गई, मतलब बम की तरह। हाँ धनु बैठे थे, धनु मेरा हाथ पकड़ के बैठे थे, ऐसे पुच्छी ले रहे थे, मतलब मैं मुझे लग रहा है ना कि मैं आँख ही नहीं खोली कितने घंटे तक, पूरा एकदम ऐसे करके बिल्कुल ही नहीं, और मैं बस सोच रही थी ऐसे सोचूँ आँख ही नहीं खोली कितना घंटा हो, मैं वैसे जगी हुई थी लेकिन मैं आँख नहीं खोल पाई कितने घंटे तक, ऐसी रेस पूजा करके उसके बाद जो मेरी हालत हुई है पूछे मैं। चलिए ऐसे आज पारण करेंगे और ये जीतिया, इस बार येल्लो, इन्होंने पूछा था रेड लाऊं कि येल्लो लाऊं, मैंने बोला कि जो आपको सही लगता है येल्लो, इस बार लाएं, पिछली बार रेड था तो हमने पहन लिया। ये मैं इस वाले चेन में पहनती हूँ, मैं तो सोची मेरा चेन कहाँ आ गया, तो इस वाले में पहनती, लेकिन अभी ये धागा में पहनना होता है ना जूतियाँ में ऐसे, तो इसलिए मैंने ये पहन लिया। मम्मा ये पहन में ओके, चलिए गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में, हमको स्कूल चाय पत्ती ओके गाइस, हम ये वाली चाय पीते हैं और आप लोग कौन से पीते हैं, टाटा टी गोल्ड। चलिए पहले खाना खा लो, चाय उनको चाय बस रख के आ रही हूँ, उनको बस चाय रख के आ रही हूँ। अच्छा ये भी है, नहीं कह रहे ना 10 मिनट लग जाएगा, क्या बेटा अच्छा। एक बात छूट गई थी जो कि कमेंट में इतने सारे कमेंट देख रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी जो व्लॉग डाला ना उसमें भी लोग बोल रहे हैं कि मैंने जब अपनी देवरानी को जूतियाँ पहनाया तो आँखों में आंसू आ गया, तो वो इमोशनल मोमेंट था, मेरी देवरानी के लिए भी था, हमारे लिए भी था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सारी चीज़ें ऐसे करके ना, एक संतुष्टि। जो खाना होता है वो खाना नहीं खाया था हम लोगों ने, मतलब बाद में खाया सब कुछ वो करने के बाद, बस हमने जो एक नियम था ना कि व्रत का टाइम था आज की 9 बजे से पहले खोल लेना था, तो इसलिए माड़ पी के हमने खोल लिया था वो व्रत, और उसके बाद अब हम खाना खाने बैठे, इतना सारा खाना बनाया। फाइनली पारण हो गया और 9 बजने वाले हैं, पतिदेव जी भी ऑफिस के लिए निकलेंगे, उन्होंने बोला मेरे लिए शर्ट निकाल के रख दो, तो मैंने सोचा चलो आज ये काम भी कर देते हैं, क्योंकि अभी तो ऐसा है ना ऊपर नीचे के चक्कर में, मैं नीचे रहती हूँ या तो मैं बाबू को छोड़ने गई होती हूँ या फिर कुछ काम है, इसी का रिमोट देख रही हूँ कुछ काम कर रही थी भैया, इस चक्कर में क्या होता है कि ये सब काम तो नहीं होता, लेकिन अभी उनका जो है ना लेट होने वाला है, तो उन्होंने बोला कि मेरा शर्ट जो है वो निकाल दो, चलो निकाल देती हूँ। ओके गाइस, तो पारण जो है वो हमारा पारण हो गया, और 9 बजे से पहले करना था क्योंकि उसके बाद 10वीं लग जाएगा, और इसका पारण जो है वो 9वीं में ही करते हैं, इयररिंग्स नहीं पहना पक दे जो सर, मेरे सर में तेल कितना ज़्यादा है ना, तेल लगाया कल रात को रवीना ने पूरा भर भर के, कल रात वाला सीन याद कर रही हूँ मैं, पूछो मत कि क्या हाल हो रहा है। ओके सो गाइस, तो अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और आशा करते हैं कि ये जो इक्के दुक्के जो लोग होंगे, 1-2% के लोग होंगे जिनके मन में होगी मेरे नेगेटिविटी, मतलब मेरा ना कोई कसर नहीं छोड़ा गया मेरा व्रत ख़राब करने का, असर भी हुआ, मतलब व्रत के एक दिन पहले से टेंशन देना शुरू उल्टी सीधी हरकतें करके, है ना, ये कमेंट किया वो कमेंट किया ऐसे किया वैसे किया, मतलब ऐसी हरकतें करते क्यों हैं लोग मुझे समझ में नहीं आता, मेरे जो चाहने वाले हैं प्यार करने वाले हैं उन्होंने बोला भी कि आपका निर्जल व्रत रखना है, टेंशन मत लो, ये मत करो वो मत करो, लेकिन आपको पता ही है कि इतना कोई इस हद तक कोई गिरेगा तो क्या ही होगा। अगले दिन मुझे निर्जल व्रत था, मैं लाइव भी आई हुई थी आपने देखा, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि सही कहते हैं आप लोग कि बस दी आप अपना कर्म करते जाओ,
मतलब कि जो है ना वो भगवान मतलब सामने ले आते हैं, वो सारी चीज़ें जो होता है। अब जितिया के व्रत पे ही ऐसी कुछ चीज़ें सामने आ गई, मतलब आप लोगों की नज़रों में, हमारे सामने तो थी, आपकी नज़रों में ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड हुई, या फिर मतलब कि मैंने क्या होता है कभी मतलब मैंने ऐसे सोचा भी नहीं था। जैसा कि आप लोगों ने कल व्लॉग देखा, निक्की का व्लॉग जो देखा, तो आप लोगों ने देखा कि वो मेरे बारे में क्या बोल रही थी, कैसे, जो भी टाइटल भी आपने देखा है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है कि एकदम से होता है, मतलब अभी तो आप लोगों ने कितने टाइम से ये चीज़ नहीं देखा था ना, और जब सामने वाला खुद से ये चीज़ ले के लिख के और ऐसा बोल रहा है, तो उसके मन में मतलब मेरा जो प्यार है या जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें कहीं ना कहीं से तो उसको इतना तो दिख गया होगा कि वो सामने से भी आके बोले वो इंसान, ठीक है। तो अब आप लोग कोई कमी निकाल के मेरे अंदर या कुछ बातें ऐसी चीज़ें कह के क्या ये कर लोगे, मतलब इतना कुछ आप लोगों ने जो देखा अभी तक है ना, उसमें मुझे लग रहा है शायद पहली बार ऐसा देखा होगा, है ना। तो चीज़ें अच्छा लगता है ऐसे देख के, सुन के, समझ के, ऐसा अच्छा लगता है। मुझे लगता है आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो बस ऐसे ही प्यार देते रहो। और मैंने आप लोगों से बोला हुआ था ना ये बात कि मैं आप लोगों का भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी, मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूँगी कि आप लोग ऐसा लगेगा यार कामनी को क्यों सपोर्ट किया, नहीं ऐसा नहीं करूँगी। और अभी जो है मैंने तो उसमें का कोई, अभी जो मैं बोल रही हूँ या वो व्लॉग या मैंने तो कुछ अभी व्लॉग डाला भी नहीं था, बोला भी नहीं था कि आप लोग, क्योंकि मैं अपने व्लॉग में तो मैं सिर्फ अपनी अच्छाई दिखा पाती। ऐसा होता है ना कि हम अपने व्लॉग में अपनी अच्छाई दिखा देते हैं, है ना, ऐसा मानना भी आप लोगों को। लेकिन मैं तो वैसे भी सारी चीज़ें नेचुरली कैप्चर करती हूँ। किसी व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।